देख रहे थे कि रात भर हम लोग यहाँ पे स्टे किए थे और बहुत ही रात में मजा आया, बहुत ही चिल किए। अब आ चुकी है वक्त उस एपिसोड के आगे की ओर बढ़ते हुए सेकंड फेज में। तो यहाँ पे कैंप सेट तो पूरा लगा हुआ ही था, अब हम लोग को वहां चढ़ना। हेलो गाइज, मैं अफजल आपका भाई आपके साथ में, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी दुआ से मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ। तो एपिसोड टू में बहुत ही मजा आने वाला है क्योंकि हम लोग असुरा गुफा में हम लोग जाने वाले हैं जो राजगीर में पड़ता है, तो वहां भी लेके चलते हैं आपको ट्रैकिंग करके, बहुत ही मजा आएगा। अगर भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए तो फॉलो कर लेगा, फेसबुक पेज को देख रहे तो फेसबुक पेज को लाइक कर लेगा, भाई को अभी तक चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर ले। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। नेचर से घिरा हुआ पूरा का पूरा मजा आने वाले। आइए, जैटेन वैली की बात ही अलग है। तो यहाँ भी अब कुछ देर बाद ट्रैकिंग करने वाले हम लोग हैं, तो वो भी आपको हम दिखलाएंगे ट्रैक करके। तो यहाँ पे रात में आप तो देखे थे बोन फायर हो रहा था, और यहाँ पे अभी देख सकते हैं ये कुकर इसलिए दिखला रहे कि इसमें ब्लैक कॉफी हम लोग का बना था और हम लोग पी लिए हैं। और यहाँ पे अभी ब्रेकफास्ट चल रहा, तो यहाँ पे अंडा को उबाला जा रहा और यहाँ पे पुरुषोत्तम सर मैगी और प्याज दोनों काटा जा रहा है क्योंकि ब्रेकफास्ट इसी से होगा हम लोग का, और उसके बाद जैटेन वैली के ऊपर चढ़ेंगे। तो सर क्या कहना है इसके जैटेन वैली के बारे में? जैटेन वैली नहीं, हम लोग असुरा केव के पास जा रहे हैं। जैटेन वैली में हम लोगों ने स्टे किया है, यहाँ पर कैंपिंग की है और ये बहुत ही अनटच्ड एरिया है। आप आइए बिहार इको एडवेंचर कैंप के साथ में, आपको बिहार के ऐसे अनएक्सप्लोर्ड एरियाज को दिखाएंगे जहाँ आप जान करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे, क्योंकि बिहार का ये हेरिटेज है। आज से 4000 साल पहले की कहानियां हैं जब बुद्ध इस पाथ को फॉलो किए थे। बिंबिसार ने यहां से उनको अवगाने के लिए आया था और इस जगह पे 3 महीने का प्रवास काल में उन्होंने प्रवचन दिया था। वो केव असुरा केव है जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। प्लीज वेलकम, ज्वाइन द बिहार इको एडवेंचर कैंप और सब्सक्राइब करिए अफजल भाई को, इनके चैनल को, जहानाबाद ब्लॉगर्स को। थैंक यू सर का तो सुनिए, यहाँ पे गांव के जो बच्चे लोग हैं और बड़े लोग भी हैं वो भी हम लोग को बहुत ज्यादा रात में सपोर्ट किए हैं। कुछ चीज की भी जरूरत पड़ रही थी तो ये बच्चे लोग और बड़े लोग आके यहाँ पे सपोर्ट कर रहे थे। गर्मा गर्म मैगी तो आ गया, वहाँ पे सर पुरुषोत्तम सर और मनोहर भाई अंडा छील रहे हैं और यहाँ पे अपनी मैगी है, तो खा के अब हम लोग पहाड़ पे चढ़ेंगे। और ये अपनी अंडा भी आ गया, देख सकते है। तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं वहाँ पहाड़ पे ट्रैकिंग करने के लिए, तो बहुत मजा आने वाला है क्योंकि फर्स्ट टाइम खुद हम ट्रैकिंग करने वाले हैं, तो बहुत ही मजा आएगा। तो ब्लॉग में बने रहे, ब्लॉग को आधा अधूरा नहीं देखे क्योंकि मजा ही खत्म हो जाएगा। तो एपिसोड टू में लेके चल रहे हैं आपको, तो और बहुत मजा आएगा। तो अभी हम लोग असुरा गुफा की तरफ बढ़ रहे हैं और ट्रैकिंग हम लोग का स्टार्ट हो चुकी है। देख रहे हैं कि यहाँ कोई आपको स्वतंत्र सर क्या बता रहे हो भी सुन ले। बोल्डर से होकर के ट्रैकिंग करते हुए आपको ऊपर जाना है। करीब करीब यह आपको 1100 फीट की हाइट पे क्लाइंब मतलब ट्रैकिंग करना है, तब जाके असुरा केव को आप देख पाएंगे। अभी हम लोग का ट्रैकिंग स्टार्ट हो चुकी है और उसके बाद 1100 फीट की ऊंचाई पे हम लोग जाने वाले ट्रैक करके। तो किस तरीके से घना जंगल है वो भी आपको हम दिखला रहे हैं। अभी कुछ ही दूर चले हैं फिर और आगे चल रहे हैं। यहाँ पे मनोहर भाई है, रवि भाई है, सब हम लोग साथ में ट्रैक कर रहे हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है चढ़ने में भी और वीडियो बनाने में भी, क्योंकि आपको इस प्लेसेस को बारे में वर्णन कर सके सकते किस तरीके से दृश्य है यहाँ पर के और कैसे हम लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं। 1100 फीट ऊपर जाना है, अपने घने जंगल से हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं, तो और थोड़ी सांस फूल रही है। तो आप आ रहे हैं तो पानी अपने साथ लेके आए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको बता दें कि पानी आप लेके आए क्योंकि पानी की बहुत आपकी जरूरत पड़ेगी।
ऊपर में आ चुके हैं और देख सकते हैं वैली कैसी है और नीचे गांव है देख सकते हैं और वहीं पे हम लोग नीचे स्टे किए हुए थे। तो अभी घने जंगल में आ गए और ऊपर ट्रैकिंग करनी है, कुछ टीम अपनी चली गई है और हम लोग अभी पीछे से चढ़ रहे हैं। आप जो देख रहे हैं वैली से आ रहे हैं हम लोग, तो शायद आपका नजर गया हो या ना गया हो, लेकिन देखिए ये जो देख रहे हैं जो दीवार बनी हुई है जस्ट लाइक ए सकपोलियन वॉल। बेमिसार का समय में जो बना करता था ना, तो रेंज तो ही है हमारा, ये वैली चेंज होता है लेकिन रेंज है हमारा है आपका राजगीर का ही रेंज है ये। तो ये सकपोलियन वॉल है और हम गुफे का रास्ता में जाएंगे, ये तो और भी दिखेगा आगे जाने के बाद। अब बस हम लोग पहुंचने वाले, आधे रास्ते तो चढ़ गए हैं, कुछ रास्ते और बाकी है। अब हम लोग की खड़ी चढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है, देख सकते हैं राकेश सर ऊपर चले गए, पुरुषोत्तम सर पीछे से जा रहे हैं, बस अब हम लोग भी चढ़ते हैं। देख रहे हैं ना गाइस कैसे कैसे चढ़ना हो रहा है, तो बहुत मजा आने वाले, ब्लॉग में पूरा बनिएगा। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं और ये हाथी बैठका है और इससे भी आगे आप जाएंगे, उसके बाद सूर्य गुफा मिलेगा। तो अभी देख सकते हैं कितने ऊपर आ चुके हैं हम लोग, गांव देख सकते हैं कितने नीचे है और हम लोग ऊपर ट्रैक कर रहे हैं, अभी भी ट्रैकिंग जारी ही है, धीरे धीरे और आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आपको तो नीचे से ऊपर की ओर दिखला रहे थे कि कहाँ हम लोग जा रहे हैं, 1100 फीट ऊपर हम लोग जा रहे थे, सूरा गुफा में हम लोग जाने वाले थे और राजा पिंडा वाले के गुफा में। तो क्या कुछ यहाँ पे था वो तो आपको दिखला ही रहे, अब बस फाइनली कुछ ही सेकंड के बाद वो ट्रेल ले सकते हैं हम लोग और बहुत एंजॉय करके हम लोग ट्रैकिंग किए, किसके साथ, बिहार इको एडवेंचर के साथ। तो इसके साथ ही हम लोग अब गुफा के अंदर भी लेके चलते, देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे गुफा है वो भी आपको हम दिखला रहे, क्योंकि एक दृश्य जो है ना मन मोहित हो जाता है ना, तो वही ये दृश्य है, ये गुफा है कि मन मोहित हो चुका है। अभी हम लोग फिलहाल जेठियन वैली के पास में हम लोग हैं और यहाँ पे ये गुफा है और जैसे जैसे अंदर जा रहे हैं वैसे वैसे इको हो रहा है आवाज, यानी कि आवाज जो है गूंज रहा है और किस तरीके से है। और देखा जाए तो गौतम बुद्धा का स्टैचू, एक दो तीन चार चार स्टैचू लगाई गई है, जैसे जैसे अंदर की ओर जा रहा है वैसे वैसे इको हो रहा, तो ये सब फीलिंग जो है ना, अल्टीमेट वाला व्यू है, फीलिंग है, ये सब पैसा वसूल है भाई। आप भी आके इको एडवेंचर के साथ ज्वाइन कर सकते हैं और इसका मजा ले सकते हैं। तो जो भी ये प्लेसेस पे आते हैं ये धरोहर को ऐसे ना खराब किया जाए नामकरण करके, तो ये बहुत ही अच्छी नहीं लगती है, एक मैसेज अच्छी नहीं जाती है, तो ये सब प्लीज आप नहीं कीजिए और आइए ये चीज को, अनएक्सप्लोर चीज को एक्सप्लोर कीजिए, घूमिए, रहिए, खाइए, पीजिए, सब चीज कीजिए, बट गंदगी मत फैलाइए और ऐसे नामकरण मत कीजिए, धरोहर को खराब प्लीज मत कीजिए। लोग बोलते हैं, लोग सोचते हैं कि बिहार में कुछ नहीं है, बिहार में ये है। तो बच्चे लोग भी जो हम लोग के हेल्प कर रहे थे वो बच्चे लोग भी साथ ही में हैं, तो से हाय। तो बच्चे लोग भी बहुत एंजॉय किए हैं ट्रैकिंग करने में और हम लोग भी बहुत एंजॉय किए, तो ये उसको सेट कर रहे हैं। आप उतर रहे हैं, बैक हम उतर रहे हैं। हाँ, इसके बाद हम उतर रहे हैं। ठीक है, मैं लाइट सेट हो जाने दो, इसी रूट को फॉलो करेंगे, इधर से मैं आ रहा हूं, उधर नहीं जाएंगे, उधर पूरा तो हमारी जर्नी यहीं पे समाप्त होती है और आप लोग बहुत ही अच्छे से देखेंगे कि अनएक्सप्लोर चीज को हम लोग कैसे एक्सप्लोर किए, किसके साथ, बिहार इको एडवेंचर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद बिहार इको एडवेंचर, और ऐसे ही एडवेंचर करने के लिए हम लोग हमेशा पुरुषोत्तम सर के पास जाते हैं। तो ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल पे फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जो दबा ले कि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। आपका भाई मिलता नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।